गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर में आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कोचिंग के प्रमुख सह शिक्षाविद विनय कुमार सर ने की। इस सम्मान समारोह में दर्जनों की संख्या में सेना की परीक्षा में सफल हुए बच्चों को सम्मानित किया गया और तमाम बच्चों को अंग वस्त्र दे करके माला पहना करके स्थानीय वीडियो और कोचिंग के तमाम शिक्षक लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया। सनद रहे कि भारतीय सेना की परीक्षा जो आयोजित की गई थी गत माह, उस परीक्षा में ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर भोरे के दर्जनों की संख्या में बच्चे भाग लिए थे, उस परीक्षा में बैठे थे और परीक्षा दिए थे। परीक्षा का परिणाम जैसे घोषित हुआ, परिणाम आते ही ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर भोरे की सफलता का डंका पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में बजने लगा, क्योंकि यहाँ के दर्जनों से ज़्यादा की संख्या में बच्चे सेना की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और सफल हो गए हैं। आइए, कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं विनय सर, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की सफलता इन बच्चों को मिली है और किस प्रकार का आज का कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम में कौन कौन लोग रहे और किन किन विषयों की तैयारी कराई जाती है, किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की ब्रह्मास्त्र कोचिंग भोरे में तैयारी कराई जाती है और कहाँ कहाँ के बच्चे आकर के इसमें तालीम हासिल करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। सुनिए विनय सर क्या कह रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर भोरे से बात हो रही है। जी विनय सर से बात हो रही है। जी क्या कार्यक्रम था आज? आज भारतीय सेना में 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अच्छा जी, तो उसी को लेकर के आयोजन था। भोरे के वीडियो साहब जो भी वर्तमान में दिनेश कुमार सिंह जी हैं, चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे, अच्छा जी, उन्होंने ही बच्चों को सम्मानित किया, उन्होंने ही बच्चों को उत्साहित किया, उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि बहुत संघर्ष करके और बहुत बाधाओं को पार करके आप लोग इस मुकाम को हासिल किए हैं। और जो सारे बच्चे थे उनको भी बहुत इस चीज से प्रेरणा मिली कि आगे कैसे अपने मुकाम को, अपनी जर्नी को हासिल करना है, मेहनत करनी है, तैयारी करना है। जी। तो बहुत सारी चीजें वीडियो साहब जी ने बताया। कुल 12 बच्चों का चयन हुआ है इस बार जी। और क्या संदेश देंगे इलाके के लोगों को? आपके यहाँ तो उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों के बच्चे रहते हैं और तैयारी करते हैं, लगातार सफलता मिल रही है, कितना परिश्रम करना पड़ता है इस अचीवमेंट के लिए? हम तो सबसे या सबको यही संदेश देंगे कि अगर हार गए हैं तो एक बार रुख ब्रह्मास्त्र की तरफ जरूर करिए, क्योंकि हम लोग अपना पूरा 100% एफर्ट लगा करके और जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो जिंदगी से जंग हार गए हैं उनको जिताने का प्रयास करते हैं कि नहीं, अगर यू कैन डू तो आई कैन डू, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। धरती पर कोई भी चीज असंभव नहीं है जी। चाह दिया जाए सच्ची की जरूरत है जी, चाह दिया जाए तो उसे बस मैंने वो कहते हैं कि हर खादान में हीरा है, बस तराशने की जरूरत होती है, अलग अलग नजरिए से तराशा जाता है। परीक्षा कब आयोजित हुआ था? परीक्षा का आयोजन अप्रैल में किया गया था जी। और अप्रैल में पेपर हुआ, बच्चों ने एग्जाम दिया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर जो है इसमें किन किन विषयों की तैयारी कराती है, कौन कौन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है? देश की सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ कराई जाती है जी। जैसे 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 मैं बीपीएससी हो गया, जैसे बीपीएससी हो गए, बिहार दरोगा हो गया, जैसे बिहार पुलिस हो गए, ये बैंकिंग एसएससी रेलवे हो गया, इन तमाम चाहे ये वो डिफेंस हो गया, इन सब विभागों की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है जी। तो हम सब प्रयास में हैं और प्रयास भी आदमी कर रहा है कि एक छोटे से कस्बे में स्थित होकर के और जो गांव के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनमें टैलेंट बहुत बड़ी है जी। बस उन्हें थोड़ा सा निखारने की जरूरत है, थोड़ा सा उन्हें ऊपर उठाने की जरूरत है और वही एक हम लोग सहारा है। बच्चे अभी हैं, कहां के बच्चे आ रहे हैं? अभी तो अपने ये कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, ये भाटपा रानी हो गया, सीवान, गोपालगंज, हथुआ, मीरगंज, ये 45 किलोमीटर के जो दायरे हैं उस दायरे के सभी जो है लगभग बच्चे जो है वो आकर के अपनी तैयारी जो है ना फुलफिल कर रहे हैं, अपनी तैयारी को पूरा कर रहे हैं। आवासीय व्यवस्था भी है सर के यहाँ?
आवासीय व्यवस्था भी अभी है नहीं, लेकिन वो उपलब्ध कराने की प्रयास में हम सब हैं, हमारी टीम है, जी और जो उस प्रयास में है कि कम से कम जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको उस तरह की